अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल जो हमारी बाइक के होते हैं ना इंडिकेटर होते हैं इशारे उन पे वीडियो बनाऊंगा CD70 के। ठीक है दोस्तों, हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आप बताएं कि हम मेरी जो बाइक है उनके जो पिछला इशारा है ना वो एक चाल नहीं रहा, तो मैंने कहा मैं ज़रा गाइड कर लूँ उसके बारे में। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं ये वीडियो उनके लिए भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए भी। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ना वीडियो में आपको प्रैक्टिकल वर्क भी इसी ही वीडियो में करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैंने कहा थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि आपको थोड़ी सी वायरिंग के बारे में थोड़ा सा आपको ज़रा ना पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए, कोई भी वायरिंग हो, चाहे बाइक की हो, गाड़ी की हो, या कोई चीज़ की भी, उसमें कोई भी चीज़ चलती है दो पॉइंट से चलती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये तो आपको पता है। अब आम जो हमारे घर में तार यूज़ होती है उसमें जो नेगेटिव होती है वो हमारी होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, और जो हमारी पॉजिटिव होती है वो होती है हमारी रेड कलर की आम घर में। लेकिन बाइक में थोड़ा सा इसका पॉइंट सर थोड़ा डिफरेंट है। बाइक में पहले मैं आपको बता दूँ, जो होती है ना हमारी नेगेटिव वायर वो ऐसा कहलाती है हमारी ग्रीन वायर से, ठीक है ना, नेगेटिव वायर ग्रीन वायर से। और जो पॉजिटिव होती है वो चूंकि वो हर किसी की अलग इशारों की अलग कलर की होती है, हेडलाइट की अलग कलर की होती है और बाकी इस तरह हर किसी की अलग कलर की होती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब आप कहेगा कि जो आपकी बैटरी में से वायर आती है वो तो एक ग्रीन होती है लाइक नेगेटिव और एक रेड कलर की होती है पॉजिटिव। वो रेड कलर की वायर सिर्फ इसलिए होती है, वो जानी होती है स्विच के अंदर, फिर स्विच से निकलती है ब्लैक कलर की वायर, वो थोड़ा बहुत काम करती है पॉजिटिव के तौर पर। तो मैं अब आपको ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा डिफरेंट, लेकिन मैंने कहा इस वीडियो में क्लियर कर लूँ, मैं आपको सारा गाइड करूँगा, अपने परेशान नहीं होना इशारे के बारे में। जिन भाई साहब ने मैं कमेंट किया ना, मैं उनको इंशाल्लाह सारा पॉइंट क्लियर करूँगा उनका। तो उससे पहले मैंने कहा थोड़ा सा आपको क्लियर मैं कर दूँ। अब हम आते हैं इशारों पर, हम प्रैक्टिकल वर्क भी बाइक खोल मैं आपको इसी वीडियो में सारा बताऊँगा। अब मान लें ये एक बाइक है, ठीक है, लाइक ऐसे है। देखिए ये पेट्रोल टैंकी होगी एक और ये सीट होगी, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है यार। अब देखिए एक ये इशारा है, ठीक है, एक ये इशारा है, जिस तरह बाइक में होते हैं चार चार इंडिकेटर, ठीक है ना, इनको इशारे कहते हैं। और एक ये है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ये चार इशारे हमने ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए नेगेटिव, इन चारों में बल्ब होता है, ठीक है ना, नेगेटिव तो जहाँ भी आपको ग्रीन कलर की वायर नज़र आ गई वहाँ पर आपने अटैच कर लेनी है। ग्रीन कलर की वायर पीछे भी होती है सीट में भी, आपने इसकी भी ग्रीन में कर देनी है, इसकी भी ग्रीन में कर देनी है, और ग्रीन की हेडलाइट में भी होती है, ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन कर दी, यानी कि नेगेटिव आपकी। अब बात आती है इन चारों की पॉजिटिव वायर की। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हमारी गुजरती है वायरिंग अंदर से करके ना इस तरह, ठीक है। अब जो ये दो इशारे हैं ना, ये वाले दो इशारे, ठीक है, ये आपकी रेस है और ये आपका क्लच वाली साइड है, ठीक है ना। जो ये लिखी है ये आपकी जो राइट साइड पर है, ठीक है, दाएं साइड पर जो आपके दो इशारे हैं, इनकी जो पॉजिटिव वायर होती है उनका कलर होता है, ध्यान से सुनिएगा, स्काई ब्लू, नॉट ब्लू, स्काई ब्लू, ठीक है। इन दो इशारों की जो पॉजिटिव वायर होती है उनका कलर होता है स्काई ब्लू, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं इन पे, सेम वही तरह जो आपके इसके बल्ब और इसका जो है इशारे का बल्ब, इनमें जो नेगेटिव है वो आपको ग्रीन में लग जानी है, ठीक है, यहीं पर, और इसकी हेडलाइट में ग्रीन। अब बात आती है पॉजिटिव की, ठीक है, पहले आपको मैं बताऊँ, जो नेगेटिव होता है वो किसी बॉडी से टच कर लेना तो वो भी आपको पता लग जाता है। अच्छा, आप पॉइंट की तरफ आते हैं। अब इन दोनों की पॉजिटिव, इन दोनों की जो पॉजिटिव होती है वो होती है आपके ऑरेंज कलर की, ठीक है दोस्तों। जो हमारी क्लच साइड है उसके जो दोनों इशारे हैं उनकी जो होती है वायर वो होती है ऑरेंज कलर की। दोस्तों ये वायरिंग थोड़ी सी डिफरेंट मुश्किल होती है, लाइक मैं आपको ना इसी वीडियो में आपको अभी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, लाइक मैंने आपको एक पूरा नक्शा बताया है 70 का, अभी ये शो हो रहा होगा वीडियो में पिक्चर ना, तो इसके थ्रू आप होंडा सिटी 70 का वायरिंग कर सकते हैं, थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन आप कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा दोस्तों, ठीक है, जो ये वाले दो इशारे होते हैं इनकी जो पॉजिटिव वायर होती है वो स्काई ब्लू, और ये जो दो इशारे होते हैं इनकी जो पॉजिटिव वायर होती है वो होती है ऑरेंज ब्लू, जो यहाँ से गुजरती है ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ कि आपने अपने इशारे कैसे ठीक करने हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम हेडलाइट खोलते हैं। दोस्तों जो पिछले इशारे होते हैं उनको भी ठीक करने का एक पॉइंट हेडलाइट का भी होता है, बाकी सारे पॉइंट पीछे से चेक करते हैं कि वो इशारे ठीक है या नहीं है। बाकी अगर पीछे से हमें इशारे चेक करने हैं पिछले वाले, तो उसकी तार यहाँ से भी आती है, यहाँ से ही पहले चेक करना होता है, कहीं यहाँ से तो नहीं मसला होता। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको सीट खोल के वो भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले हम ये स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये खोल लेना है, ये देखिए हेडलाइट का, दोस्तों इससे पीछे हमने इसमें पार्किंग लाइट लगाने का तरीका आपको बताया था ओवरऑल ना, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं वीडियो कम्प्लीटली, मैंने उसमें ओवरऑल सारा गाइड किया है मैंने उसमें ना। तो ये आपने सिंपली ऐसे खींच लेना है इसको, ये देखिए। तो दोस्तों ये हेडलाइट आप सिर्फ ऐसे लटका लें, बाकी काम कर लें, लेकिन मैं इसको खोल ही देता हूँ क्योंकि नहीं चल रही, यहीं पर रहने दें। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ उसके बारे में। देखिए हमने जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि जो हमारे व्हाइट बोर्ड पे कि जो ये वाली साइड के जितने भी इशारे होते हैं ना, ये वाली साइड के, ये और पिछला, ये इसमें जो पॉजिटिव होती है वो हमारी ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। और जो ये वाली लाइन होती है इस इशारे की, कैमरे फोल्डर ये इशारे की, इसकी जो ओवरऑल होती है वो सारी जाती है हमारी पीछे ऑरेंज कलर की वाइट वायर, ठीक है ना, पॉजिटिव। और जो नेगेटिव होती है इन दोनों की, वो यहाँ पर ग्रीन सा जुड़ती है। अब ये देखिए ये जो वायर है ना, ये ग्रीन कलर की वायर है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जो इस इशारे की और इस इशारे की दोनों ग्रीन हमने एक में जोड़ी हुई है, ठीक है। नेगेटिव वाला मामला तो हमारा हो गया हल। अब इसकी पॉजिटिव और इसकी पॉजिटिव मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। अब आप ये देख रहे हैं, एक मिनट, ये मैं पहले हेडलाइट थोड़ी उतार देता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए। ये देखिए ये है स्काई ब्लू कलर की, ठीक है। कौन सी हुई है भला, ये इस साइड वाली, ये होगी हमारी राइट साइड वाली सारे इशारों की, ठीक है। इसमें तीन तीन वायर्स होती है, एक ये असम्बली में से आ रही होती है अभी ग्रिप में से, ठीक है, और एक ये इशारे की होती है अगले इशारे की, और एक ये पीछे जाती है सीट तक पिछले इशारे की, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो ही गया, ठीक है। अब अगर आपकी पिछले पिछला इशारा आपको नहीं चल रहा तो आपकी ये वायर उतरी होगी, ठीक है ना। आपने चेक कर लेनी है, तीन वायर होनी चाहिए, एक ये इशारे की, ठीक है, और एक ये जो पीछे सीट पे जा रही है, और एक ये जो वायर आ रही है ना हमारी ग्रिप में से जब हम अपने लेफ्ट हैंड से जब हम इशारे ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया, ठीक है, इस साइड वाला। तो अब दोस्तों आपने देखना है कि ये जो ऑरेंज आ रही है, ये ऑरेंज जो गुच्छा टाइप है, इसमें आप देखिए इसमें भी तीन वायर है, ये होनी तीनों ऑरेंज चाहिए थी। ये वाली ऑरेंज क्यों नहीं है, क्योंकि जो इशारा था वो मैंने इधर पर इधर लगा लिया था। आप इमेजिन यही करें कि ये भी ऑरेंज ही है, आपकी बाइक में ऑरेंज ही होगी, ठीक है। तो ये भी इसमें भी सेम वही तरीका, इसमें भी तीन वायर्स हैं, एक ये देखिए, एक ये आ रही है आपकी ग्रिप में से, ठीक है, एक ये इशारे में से, और एक ये पीछे जा रही है जो आपकी सीट तक जाती है इस साइड वाले इशारे के, ठीक है ना। तो ये देखिए एक ये गुच्छा होता है, एक ये गुच्छा होता है, इसमें भी तीन होती है, इसमें भी तीन होती हैं। एक गुच्छा जो आपका ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज ही है, ठीक है ना, ऑरेंज वाला, सब तीनों ऑरेंज होगी, वो आपकी इस साइड पे आएगी, ठीक है ना। और जो ये आपकी फरोजी है वो आपकी इस साइड पर आएगी। तो आपने इसी तरह आपका अगर ये ऑरेंज वाले आपकी ये जो आपकी लेफ्ट साइड है इससे पिछला इशारा नहीं चल रहा आपने, तो आपने यहाँ सिंपली आपकी एक तार उतरी होनी ऑरेंज में से, ठीक है ना, ये तीन पूरी होनी चाहिए। और अगर इसी तरह आपकी ये वाला इशारा है, इसका अगर आपका पीछे वाला इशारा नहीं चल रहा राइट साइड का, तो इसमें आपने ये फरोजी कलर की देखनी है, स्काई ब्लू कलर की, इसमें से कोई एक तार उतरी होगी, ये तीन तीन तारें पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये वायरिंग यहीं तक की है इशारों की, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद था, जो भाई ने मैं कमेंट किया था, वो था हमारी पिछले का, ठीक है ना, पिछले जो उनका इशारा नहीं चल रहा था, तो मैंने सिर्फ हेडलाइट इसलिए खोल ली क्योंकि यहाँ से भी एक फॉल्ट आ सकता है। अब अगर आपकी ये जो तार पीछे जाती है, ठीक है, यहाँ पर लगी हुई है, पीछे करंट नहीं आ रहा, तो आपकी तार ख़राब है, फिर आप पूरी वायरिंग ना खोल लें, फिर आप कोई तार ऐसे गुजार लें यहाँ से, उसके यहाँ तक यहाँ से टैंक से नीचे जो गुजार लें आप, और यहाँ पर आप जोड़ लगा दें, ठीक है ना। यानी कि आप दोबारा समझें कि जो वायर आपके पीछे सीट से आती है ना असम्बली में से, वो यहाँ पर लगी हुई है, कभी उतर जाती है, अगर तो वो लगी हुई है, ठीक है, और पीछे करंट नहीं जा रहा, वो दवा पर कैसे चेक करना है सीट खोल के, तो फिर आपने वायर चेंज कर देनी है। उसके लिए पूरी वायरिंग नहीं खोलनी, आपने सिंपली यहीं इसके अंदर से गुजार लेनी है, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसी वीडियो में मैं आपको पीछे एक सीट में ले जाता हूँ, बताकर खाता हूँ कि वहाँ पर क्या सिस्टम होता है इशारों का, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हमने गियर इंडिकेटर पर भी वीडियो बनाई हुई है, हमने ये भी बनाई हुई है कि चोर स्विच आपने कैसे करना है, लाइक कैसे अगर आप अपनी बाइक हाई पे करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी, लो पे करेंगे तो वही स्टार्ट होगी, एक वो भी वीडियो। और एक अभी लास्ट टाइम सैटरडे को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप क्या नाम हाई पे करेंगे आपके यहाँ पर एक छोटी सी पार्किंग लाइट एडजस्ट करने का मैंने तरीका बताया था आपको 20 रुपये में, वो भी वीडियो आप तक देख सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ज़रा अब हम जाते हैं अपनी सीट की तरफ। दोस्तों चलिए अब हम अपनी सीट खोलते हैं। दोस्तों सीट खोलने के लिए आपको दो पेज खोलने पड़ते हैं, मैं पाता हूँ आपको ये लाइट सर मैं ऑन कर लूँ, हाँ लाइट ऑन ही है।
दोस्तों ये आपको एक नट नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला यहाँ पर मेरी फिंगर है, एक आपने ये खोलना है, इसको लगेगी 12 mm की चाबी, ठीक है ना। ये देखिए ये आई होप ये विजिबल हो, ये देखिए हाँ ये देखिए ठीक है, एक ये खोलना है और एक स्लाइड से। ठीक है दोस्तों ये देखिए ये वाला, ये यहाँ पे मेरी फिंगर है ये वाला, ठीक है। ये दो आप खोल लेंगे पेज, दोनों 12 नंबर के mm की लगेगी टी, तो आप ये सीट सीधा खींच के बाहर आएगी। दोस्तों मैं आपको सीट छोड़ने से पहले एक आपको मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ। दोस्तों मेरी जो बाइक है ना, इसके अंदर बैटरी बूटरी नहीं होती, मैं सिर्फ कैपेसिटर यूज़ करता हूँ। तो जब मैंने आपको ये वीडियो बनानी होती है लाइक कोई मुझे बैटरी की ज़रूरत हो, तो मैं ये अडोप्टर यूज़ करता हूँ इस तरह। ये देखिए बिजली के साथ चलता है ये, तो इससे लाइक आपके सारे मैं शाले का चला कर तो आपको सारी गाइड कर लेता हूँ, वही उसी जगह पर लगती है बैटरी जगह पर, ठीक है ना। ये देखिए जैसे कि ये चल रही है इससे सारे, ये देखिए इस तरह, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अपनी सीट खोलते हैं फटाफट। दोस्तों हमने अब सीट उतार लेते हैं, मैंने आपको पेज का बता दिया है, तो ये सिंपली यानी पीछे को खींच के ना, ये हमारी सीट उतर गई बाइक की। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ अच्छी तरह क्लियर अप करता हूँ, कोशिश करता हूँ क्लियर करने की, बस कैमरा हम एडजस्ट कर दें। दोस्तों ये मैंने तकरीबन साल पहले मैंने ये सारी सेटिंग की थी बाइक की, उसके बाद मैंने खोली नहीं थी, कितनी गंदी हुई है। आपने सिंपली ये जो है ना, ये आपने ऐसे उतार लेना है इसका। दोस्तों लाइट का ज़रा इशू है, लेकिन मैं आपको सारा क्लियर कर दूँगा, और कुछ अर्सा तक मैं कैमरा भी कुछ अच्छा से परचेज कर लूँगा। ये भी अच्छा कैमरा, पता नहीं क्या हो गया इसको। अब ये जो सीट है ना, इसमें टोटल आपके पीछे से वायर जाती है सात, सात वायर जाती है। अब मैं आपको गिनाता हूँ, सबसे पहले दो तो आपकी वायर्स आ जाएगी, एक इस इशारे की पॉजिटिव और एक इधर वाले इशारे की पॉजिटिव, दो वायर्स होगी, ठीक है। एक आपकी आती है लाइक आपकी नेगेटिव, ठीक है ना, तो वो दो होगी, चार होगी, ठीक है। नेगेटिव यानी कि अर्थ ग्रीन कलर की, इसकी और इसकी, ये चार होगी, चार वायर्स होगी, और बाकी तीन वायर्स आपकी होती है बैक लाइट की। अब बैक लाइट की तीन वायर्स क्यों होती है, मैं बताता हूँ आपको। आपने अक्सर एक तो एक उसकी होती है सीधा अर्थ, ठीक है, अर्थ यानी कि नेगेटिव बैक लाइट की, एक वो होगी, बाकी दो रहेगी। उस दो में से एक होती है जब आप अपनी हेडलाइट ऑन करते हैं ना, तो जैसे जैसे रेस आ जाती है तो उसकी लाइट ज़्यादा हो जाती है, जैसे रेस छोड़ते हैं तो कम हो जाती है, यानी कि रेस के साथ चलने वाली हेडलाइट के साथ चलने वाली लाइट, एक उसकी पॉजिटिव वायर, ठीक है, एक रहेगी पीछे। अब एक जो रहेगी वो कौन सी होती है, वो हमारी होती है ब्रेक स्विच की, ठीक है ना। तो ये टोटल सात वायर्स हो गई हैं। अब मैं आपको ओवरऑल गाइड करता हूँ सारा, आपने ये सारा पीछे कर लेना है इस तरह। अब आप देखिए, मैं ना ये एकदम इशारों का ना सारा क्लियर कर देता हूँ आपको, मैं उतार ही देता हूँ एकदम सारा कुछ। हम अभी बैक लाइट का नहीं हम जिक्र कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये हमारे इधर वाले इशारे की है, ठीक है ना, एक फ्रोजी और एक ये होती है ग्रीन नेगेटिव। अब आप कहेंगे कि भाई जो इधर वाला इशारा है इसकी भी एक फ्रोजी क्यों है, इसकी तो ऑरेंज होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये मेरे इशारे पर लाइक मैंने इधर वाला लगा लिया था, तो आप इसको इधर वाले इशारे को आप इमेजिन यही करें कि ये ऑरेंज है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, ये जो दो है ना नेगेटिव, ये तो आपने सीधा यहाँ पर जो भी ग्रीन वायर आ रही है ना, ग्रीन वायर जो आ रही है सिंपल ओवरऑल ग्रीन वायर, जैसे कि ये देखिए ये हमारी है, ठीक है, एक ग्रीन वायर होगी जिसके ऊपर पीले कलर की लाइन होगी, उसके बाद नहीं कर रहे हैं, वो ब्रेक स्विच की है। जो बिल्कुल आएगी ना ग्रीन कलर की वायर, उसके साथ आपने ये दोनों इधर वाले के भी ग्रीन और इधर वाले के भी ग्रीन, ये आपने कर लेनी अटैच, ठीक है। ये ज़रा हो जाए अच्छा। अब देखिए, अब अगर आपका इधर वाला इशारा नहीं ना चल रहा, तो आप सिंपली चेक कर रहे हैं कि ये देखिए आपका इशारा, आप ये इधर वाले इशारे के तार है, ठीक है ना, इधर वाले, तो आपने ही पता ये करना है। अब फर्ज करिए आपका इसकी जो तार आ रही है ना, ये स्काई ब्लू इस वाले की तार है, और ये ऑरेंज ये इधर वाले की तार है। अब फर्ज करिए आपको इधर वाला नहीं चल रहा, इधर वाला किससे कनेक्ट करना है, आपने इससे कनेक्ट होगा ना, तो आपने पता ये करना है सिंपली। अगर आपका नहीं चल रहा, आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा इशारा ख़राब है या ये वायर ख़राब है, आपने सिंपली इसको ऐसे तार लेना है, और जो इधर इधर वाला इशारे की ओरिंग है ना उसमें लगा के देख लें,
यानी कि इधर वाला चालक चल रहा है उसमें लगा के देख लें, और फिर आप जो आपकी है ना असम्बली जो आपकी ग्रिप है ठीक है उससे आप इधर वाला बटन दबा लें ठीक है ना। तो लाइक वो देखिए मैं इधर वाला चला रहा तो वो चल रहा है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि मेरी वायर ख़राब है या इसमें क्या प्रॉब्लम है ठीक है ना दोस्तों। तो लाइक ये देखिए आप ये जो है ना फ्रोज कलर की वायर, ये आपने फ्रोज से कनेक्ट कर लेनी है इस तरीके से, और ये जो इधर वाली जो ये हमने इमेजिन की हुई ये हमारी वायर है किस कलर की थी, ये हमारी हाँ ये हमारी वायर है ऑरेंज कलर की समझे ठीक है ना, मेरे ज़रा इसमें फॉल्ट है तो ये हमने कर लेनी है ऑरेंज के साथ कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने चेक करना होगा कि आपकी लाइक नेगेटिव वायर ठीक है या क्या है तो आप किसी भी बोर्ड के साथ टच कर सकते हैं। अब अगर आपका लाइक इधर करंट आपका इशारा ठीक है ना चेक कर लिया है आपने, तो आपका फर्ज करिए इधर वाला इशारा अगर नहीं चल रहा यानी कि इसकी ये जो वायर है फ्रोजी कलर की ये ख़राब है, तो आपको भी पूरी वायरिंग खोलनी पड़ेगी। उससे बेहतर आप यहाँ से कोई तार ऐसे से गुजार लें और जो मैंने आपको हेडलाइट पर बताया था वहाँ पर जाके आप अगर आपका राइट साइड वाला नहीं चल रहा तो आप जाकर फ्रोजी वाले से अटैच कर लें, अगर आपका ये इधर वाला नहीं चल रहा लाइक लेफ्ट वाला तो आप यहाँ से तार ऑरेंज की जगह तार ऑरेंज ख़राब हो गई होनी है तो वो तार लेके आप हेडलाइट से कनेक्ट कर लें ठीक है ना दोस्तों। तो यही वायरिंग होती है लाइक मैंने दोस्तों कोशिश काफ़ी की समझाने की आपको, तो बाकी ये है कि मैं अब आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों। मेरे ना ये देखिए इशारे ब्लिंकिंग नहीं करते, मैंने ये तरीका लगाया है, ये देखिए ये इधर वाला है ये इधर वाला है ठीक है, एक बार फिर सुन लें जो ये वायर है ये वाला इशारा और ये वाला इशारा इन दोनों की जो नेगेटिव होती है उनकी जो होती है वायर वो होती है ग्रीन कलर की, वो किसी भी नेगेटिव साथ जोड़ लें या किसी भी फ्रेम के साथ जोड़ लें ठीक है। जो इसकी पॉजिटिव होती है इस इशारे की वो होती है आपकी ऑरेंज कलर की, और इस इशारे की पॉजिटिव होती है आपकी ब्लू कलर की ठीक है दोस्तों। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि अगर ये वाला इशारा आपका नहीं चल रहा तो इस ये तो आपको फिर में आपने देखना है कि ये इशारा मेरा ख़राब है या मेरी वायरिंग ख़राब है, लेकिन आपका ये वाला इशारा चल रहा है तो आप पता क्या करें कि इस इशारे की जो वायरिंग है वो इस वाली असम्बली में लगा लें, यानी कि ये जो इशारे की आपकी ऑरेंज कलर की वायर है वो आप उधर वाली असम्बली की जो आपकी ब्लू कलर की वायर है उसके अटैच करके देख ले, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका इशारे में मसला है या इसमें मसला है वायर में। अगर तो आपके वायर में मसला है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप कहीं से भी नीचे से गुजार लें वायर ठीक है, अगर तो आपके इस साइड वाला इशारा ख़राब है तो आप वहाँ जाके अपने हेडलाइट में ऑरेंज के साथ कनेक्ट कर दें, अगर आपका इस साइड वाला इशारा ख़राब है तो आप ये वायर जाके वहाँ जाके कनेक्ट कर दें अपने फ्रोजी वायर के साथ ठीक है दोस्तों। मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अक्सर हमारे इशारा ही ख़राब होता है ठीक है ना, तो अगर हमारा इशारा ख़राब होता है तो आपने इशारा पता कैसे चेक करना है। अगर आपके घर में लाइक कोई भी चले आपकी बैटरी होती है ना बाइक के अंदर उसके साथ आप लगा कर पहले इशारा चेक कर लें वाला सीट ना ही खोल लें। तो चलिए दोस्तों यही थी आज की वीडियो, लेकिन अच्छा मैं इस वीडियो में एक और बात भी क्लियर कर देता हूँ आपकी थोड़ी बैक लाइट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, तो लाइक आपको थोड़ा आपके ही इल्म में इजाफा होगा। ये देखिए ये है हमारी बैक लाइट की वायर, बैक लाइट की वायर में एक वायर ये होती है ग्रीन और पीली कलर की लाइन आ रही होती है, ये देखिए इस पे गौर करें आप ठीक है, ये होती है हमारी ब्रेक स्विच की वायर ठीक है, और एक हमारी वायर आ रही होती है ब्राउन कलर की, कैमरे में आपको ब्लैक ही नज़र आएगी, असल में इसका रंग ब्राउन ब्राउन है ठीक है, ये देखिए ये है ब्राउन कलर की, ये होती है जब आप अपनी हेडलाइट ऑन करते हैं तो उसके साथ आपका जो कनेक्शन होता है ठीक है, और इसी तरह एक आपकी इसमें आती है ग्रीन कलर की सिंपल जो अर्थ होती है वो आप जिसके समझ से कनेक्ट करते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैंने वीडियो उन खास उन भाई साहब के लिए बनाई है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो अभी लाइक रात के तकरीबन 12 का बज रहे हैं तो इसलिए मैं लाइक थोड़ा आहिस्ता भी बोल रहा हूँ, तो लाइक सिर्फ आपके लिए मैं कह रहा हूँ इस तरह, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें ठीक है दोस्तों। कोई भी इस किस्म का आपके पास क्वेश्चन हो अगर मुझे वो आता हो उसका गाइड करना तो मैं आपको लाजमी गाइड करूँगा। तो चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।